डॉक्टर के यहाँ मैं गई थी, एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है। और पीलिया हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। 19 सितंबर का ये व्लॉग है, आफ्टरनून का टाइम है। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ लंच, और यहाँ एक साइड बन रहा है घी, और घी देखना रात तक बनेगा मेरा, क्योंकि एक दिन चिपक गया था, मैंने आपको दिखाया था ना, जल गया था पूरा घी। तो अब मैं जितना टाइम किचन में रहूँगी ना, उतना टाइम मैं इसको पकाऊँगी, और कहीं भी जाऊँगी तो उसको बंद करके ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे याद भूल जाती है फिर। और ये स्कूल से आ गए हैं, इन्होंने स्कूल में लंच नहीं किया, मेरे साथ ही करेंगे, तो मैं भी लंच थोड़ा लेट ही करती हूँ, मुझे जल्दी भूख नहीं लगती। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ, और ये भी लंच करेंगे, मैं भी करूँगी। आज मैंने इनको लंच में आलू के पराठा दिया था, तो बस सुबह तो मैं इनके लिए ही बनाती हूँ, और अपने लिए सारी चीज़ें उठा के रखती हूँ। जब मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, घर के सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद ही फिर मैं अपना लंच वगैरह करती हूँ। तो यहाँ मैं आलू का पराठा ही बना रही हूँ अपने लिए भी, और ये है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सा अचार मिर्ची का, जो कि मेरी ननंद ने मुझे बना के दिया है। मुझे अच्छा लगता है मिर्ची का अचार, मैंने स्पेशली उनको बोला था, उन्होंने तुरंत बना के मुझे दे भी दिया, और तीखी नहीं है तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। सीधा इवनिंग में मिल रही हूँ लंच करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी मैं, तो इवनिंग में दूध वाले भैया दूध दे के गए हैं, उसको मैंने छान दिया है और गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस इवनिंग के काम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि 2-2:30 बजे तो मैं अपना लंच ही करती हूँ, उसके बाद आधे एक घंटा मैंने रेस्ट किया, इतने में इवनिंग हो गई, उठ गई हूँ, 4:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पे ये बर्तन रखे हुए हैं जो मैंने मॉर्निंग में साफ़ किए थे, उनको मैं जगह पे लगा देती हूँ, जब सूख जाते तभी लगाती हूँ। और कुछ बर्तन अभी मुझे साफ़ भी करने, जैसे कि इनका लंच बॉक्स हो गया है, लंच के बर्तन रह गए हैं, क्योंकि ये तो सुबह के बर्तन हैं, तो वो सारे बर्तन मैं लगा दे रही हूँ, और चाय बनाऊँगी अभी। तो एक साइड दूध गर्म हो रहा है, एक साइड मैंने मलाई रख दी है बनने के लिए, और देखो मैं इतनी जल्दी, पता है क्यों भागी थी? क्योंकि दूध निकल गया था थोड़ा सा, बिल्कुल सिम पे रखा था लेकिन फिर भी निकल गया। दूध ऐसे ही आँख में चोली खेलता है, आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला काम हो जाता है। बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन और रह रहे हैं, मैंने सोचा हाथों हाथ में साफ़ कर देती हूँ, फिर मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, कभी कभी इनका लंच बॉक्स रह जाता है, जो कि फिर मैं मॉर्निंग में ही साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ बर्तन थे थोड़े से, वो मैं साफ़ कर दूँगी। और जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, यहाँ पे ये जो सिंक है ना, बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी है ये, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेरे को बर्तन साफ़ करने में, इसलिए थोड़े थोड़े बर्तन मैं साफ़ करती रहती हूँ, कि मुझे इकट्ठे बर्तन ना करने पड़ेंगे। पानी के बॉटल में भर के रख लेती हूँ, जैसे मुझे याद रहता है कि मुझे पानी पीना है, नहीं तो मुझे पानी की भी याद नहीं रहता है, सच बता रही हूँ, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ। यहाँ पे चाय बन गई है, तो बस अभी इवनिंग वाली चाय बन के तैयार है, अब हम दोनों चाय पी लेंगे, और इसके बाद देखते हैं, फिर मुझे बाती वगैरह भी बनानी है पूजा के लिए, क्योंकि वो ख़त्म हो रही हैं। तो ये पूजा करते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो फिर मैं ना बना के ही रखती हूँ बाती, कभी कभी जैसे मैं तो तुरंत की तुरंत बना के पूजा कर लेती हूँ, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं अभी बाती भी बना के रख दूँगी। तो ये भी कह के गए हैं कि ऐसा कुछ बना लो जो जल्दी से बन जाए, और अभी ज़्यादा काम करने का मेरा मन कर नहीं रहा है, ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो बस मैं दाल चावल थोड़े से लगाती हूँ, जीरा राइस बनाऊँगी और तूर दाल बनाऊँगी, क्योंकि सुबह आलू का पराठा हैवी हो गया ना, इसलिए लाइट खाना खाने का मन कर रहा है। और देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं सब्जी वगैरह में, तो वो भी मुझे धुल के रखनी पड़ेगी, दूध गर्म करके रख दिया है मैंने, और बस यही जब सब चल रहा है गाइस, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं सोच रही थी मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी मैं सबसे ज़्यादा सुबह से, फिर मैं अकेली थी तो मैंने क्या, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं सोचा चलो फिर मैं कैमरा ही उठा लेती हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ली थी, थोड़ा बहुत बन जाएगा तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। कल फ्राइडे है, कल मैं अपने नेल्स कट करूँगी, आज थर्सडे था ना इसलिए नहीं किए मैंने, तो करूँगी मैं, छोटे कर दूँगी मैं नेल्स अपने, क्योंकि अभी थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना है मेरे को, ये है ना थोड़ा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए प्रे कर रहे हो भगवान जी से, और
थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना और इंतज़ार करना अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के, मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। फेस्टिवल भी पास में है मुझे पता है, लेकिन ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है ना, तभी मैं फेस्टिवल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी इस बार। जैसे रहेगा वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वैसे हम सेलिब्रेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लूँगी मतलब मैं माइंड से कि मुझे ये करना है वो करना है यहाँ जाना है, जो होगा जैसे होगा वैसे करूँगी। अब मेरे को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है माइंड में ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, इसलिए टेंशन क्यों है किस चीज़ की है वो मैं अभी नहीं शेयर कर रही हूँ, आगे शेयर करूँगी ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है अभी ये 2-3 दिन में। बस चलिए मिलते हैं फिर आपसे बाद में, जय श्री श्याम। तो आज मेरा मन कर रहा है ये येलो वाली दाल बनाने का, ऑरेंज वाली दाल बनाने का, इसको बोलते हैं मसूर की दाल, ये धुली मसूर की दाल है और ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो मैं आज इसी को बनाऊंगी। तो बस अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी, फिर इसको भीगने के लिए रख दूँगी और इसको डायरेक्टली मैं तड़का लगा के बनाऊँगी कुकर में। पहले बॉयल करूँगी फिर तड़का लगाऊँगी, मैंने सोचा नहीं मैं हाथों आज इसको तुरंत ही तड़का लगा देती हूँ, अच्छी बनती है। अभी आधे से ज़्यादा सामान ना दीदी मेरे लिए रख देती हैं, मैं अभी उस दिन गई थी तो बहुत जिद करके उन्होंने ये राइस का पैकेट मेरे को दिया, बोले अंजलि इसको लेके जाओ, मैंने इतना मना किया लेकिन नहीं मानी वो, ये लेके आई। और अभी ये मूंगफली के दाने उन्होंने लिए होंगे तो थोड़े से मुझे भी पैक कर दिए, बोलती तुम दो लोगों को कितना लगता है, तो थोड़ा थोड़ा सामान अभी वही रख दे रही है मेरे लिए। तो यहाँ मैंने दाल को वॉश कर दिया है और ये यहाँ पे चॉपिंग कर दी मैं थोड़ा सा प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्ची, और मैं बना रही हूँ मसूर की दाल जो कि हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तूर की दाल नहीं बना रही क्योंकि तूर की दाल थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है रात में, इसलिए मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा घी बन रहा है, ये बन जाए उसको छान के रख दूंगी मैं। तो मंथली टाइम ख़त्म होने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें किचन में फिल करनी होती है, तो बस वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो रहा है और उसको मैं फिल करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल बनाने की तैयारी मेरी चल रही है, सारी चॉपिंग मैंने कर ली है और यहाँ पे लगा दे रही हूँ तड़का, प्याज लहसुन टमाटर सबके साथ तड़का लगाऊंगी, बढ़िया सी दाल बनाऊंगी। और दाल बन गई, यहाँ मेरे ज़ीरा राइस से बनके तैयार हो गए हैं। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे घी चढ़ा दे रही हूँ और अभी तक मेरा घी नहीं बना है, जैसे ही मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ तो इसको बनाने लग जाती हूँ। और बस यहाँ पे दाल चावल मेरे बनके तैयार हो गए हैं, तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो घी है वो भी बनके तैयार हो गया है। इसको गरम गरम ही मैं छान देती हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है अभी तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगा, फिर छानने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको गरम गरम स्टील की छलनी से छानना है, नहीं तो आप प्लास्टिक की छलनी से छान दोगे। पहले मेरी मम्मी तो ना एक सॉफ्ट सूती सा जो कपड़ा होता था ना उससे छानती थी, उससे बहुत अच्छे से छन जाता है, लेकिन मैं तो छलनी से ही छान देती हूँ। बैंगन मैं तो नहीं खाऊंगी बैंगन ना, पानी टिक्की मैंने दाल चावल बनाया है, तांबूली स्कॉच फ्राई थोड़ा सा दाल वाला गुंडा, बैंगन वैसे भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको ज़्यादा पसंद है, ककोरे लेके आए हैं, अदरक लेके आए हैं, कुछ छोटा मोटा सामान ख़त्म हो रहा था किचन का वही मैंने मंगाया, यहाँ पे काला नमक ख़त्म हो गया था वो भी मंगाया। ये है हमारा डिनर, दाल चावल सैलेड और आम का अचार। तो बस यहाँ पे हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं और फिर मैं डिनर करने के बाद भी ना बहुत सारे काम होते हैं, किचन को क्लीन करना है, थोड़े से बर्तन ले आते हैं उनको भी साफ़ करना है, तो यहाँ पर टीवी देखते हुए हम दोनों ने साथ में ही डिनर किया था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो डिनर के बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि रात को कभी भी किचन को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए,
अन्नपूर्णा माता का, लक्ष्मी माता का वास होता है, इसलिए साफ़ सुथरी किचन को रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे वॉश, सब्जी भी मैंने वॉश करके रख दी है, जैसे ही ड्राई हो जाएगी मैं इसको फ्रिज में डाल दूंगी। और पूरा सिंक मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, ये पत्थर का सिंक है तो इसको डेली ही मैं दोनों टाइम क्लीन करती हूँ, एक मॉर्निंग में करती हूँ और एक मैं नाइट टाइम में करके सोती हूँ, क्योंकि जब सुबह उठती हूँ ना इनका लंच बनाने के लिए तो एकदम फ्रेश फील होता है और मन भी लगता है, क्योंकि एक तो हम सो के उठते हैं वो चिड़चिड़ाहट रहती है, ऊपर से अगर किचन भी गंदा मिल जाए ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं तो रात को ही सारी तैयारी करके सोती हूँ, यहाँ तक कि लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ क्लीन करके मैं रात को ही सोती हूँ। तो बस घर को यहाँ पे सेट कर दिया है, उसके बाद मैं करती हूँ ब्रश, क्योंकि अब मैं सोने जाने वाली हूँ और अपना फेस वॉश करूँगी। थोड़ा सा स्किन केयर करने के बाद मैं थोड़ा सा फ़ोन चलाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ देखती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड मॉर्निंग, अभी हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पर इनका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया तो बस यहाँ पर मैंने आज बनाया है ककोरी की सब्ज़ी चने की दाल डाल के, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ककोरे की सब्ज़ी अच्छी भी बनी थी, इनको पसंद भी है, ये लेके आए थे। साथ में सैलड कट कर दिया, थोड़ा सा एप्पल और यहाँ पे दो चपाती पतली पतली सी, और घी लगा के मैं इनको रख देती हूँ। ये स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद लग जाती हूँ मैं घर के कामों में। सारे घर के काम हो गए हैं, उसके बाद मुझे मशीन लगानी है, क्योंकि फिर मुझे बीच में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपने सारे जो मेरी जिम्मेदारी है उसको निभा करके मैं फिर अपना कुछ आगे का काम देखूंगी, क्योंकि ये काम ही बहुत ज़रूरी है। और इनके कपड़े मतलब डेली स्कूल जाते हैं तो लगते ही लगते हैं, तो मुझे, मैं डेली तो वॉश नहीं करती हूँ, इकट्ठे हो जाते हैं फिर मैं मशीन में लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे इनके कपड़े मैंने वॉश कर दिए, मशीन लगाई थी, बहुत टाइम लग जाता है जिस दिन मशीन लगाती हूँ। ये है मेरा लंच, रात को दाल सब्जी थोड़ी सी बच गई थी, रोटियाँ गर्म बनाई हैं और ये टाइम आप देख सकते हैं। मैं हो गई हूँ तैयार हॉस्पिटल जाने के लिए, तो अपना लंच भी कर लिया क्योंकि ये तो स्कूल से करके आएंगे। इनका फ़ोन भी आ गया था कि रेडी रहना, हमें डॉक्टर के जाना है, क्योंकि कल ना डॉक्टर, हम लोग कल ही जाने वाले थे, परसों मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी तो डॉक्टर उठ गई थी इसलिए हम नहीं जा पाए थे। तो आज हम लोग जल्दी से निकलेंगे स्कूल से, जैसे ही आए वैसे ही बस बैग रखा है और तुरंत ही हम निकल गए घर से, क्योंकि 2:30 या 3 बजे तक डॉक्टर जो है ना वो हॉस्पिटल से उठ जाती हैं, तो हमें टाइम से जाना है, अपनी रिपोर्ट्स उनको दिखानी है। A few moments later. तो यहाँ मैं वेट कर रही हूँ अपने नंबर का और डॉक्टर से मिलेंगे, उसके बाद अभी हमें किसी और से भी मिलना है, तो हम ऊपर सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं, तो बस उनसे मिलेंगे, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और फिर हम निकलेंगे सीधा घर के लिए। और हमें कोई काम नहीं था क्योंकि स्कूल से सीधा ही ये आ गए थे, तो थकावट भी हो जाती ना स्कूल से आने के बाद, तो बस यहाँ पर डॉक्टर का काम हो गया हमारा, उसके बाद हम वापस निकलेंगे घर। यहाँ पर उसके बाद मुझे अपना आई टेस्ट भी करवाना है, तो यहाँ पे मैं पसंद कर रही हूँ कि मेरे फेस पे कौन सा ठीक लगेगा, तो अभी मुझे टेस्ट तो नहीं करवाया है लेकिन सोचा चलो यहाँ पे पहले मैं पसंद कर देती हूँ। आप लोग बताना मेरे फेस पे कौन सा चश्मा ठीक लग रहा है, और मुझे लगवाना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होने लग गई है, तो बताना आप लोग इस टाइप से अच्छा लग रहा है या इससे पहले लगाया था वो अच्छा लग रहा है। लेकिन जो आई टेस्ट ना वो मैं डॉक्टर से कराऊंगी, यहाँ पे नहीं करवाऊंगी, यहाँ भी हो रहे थे लेकिन मैं हमारे एक डॉक्टर हैं उनसे करवाऊंगी, ग्वालियर के बेस्ट है वो, तो मुझे अपना आई टेस्ट भी करवाना है। चलो देखते हैं किस दिन कराते हैं। हम लोग आज ही गए थे लेकिन डॉक्टर हमें ना मिले नहीं, तो वो हमें मंडे या ट्यूसडे में मिलेंगे, तो फिर हम उनसे मिलेंगे आ करके। यहाँ पे हम लोग डॉक्टर से मिलने के लिए ही आए थे लेकिन वो हमें नहीं मिले, तो अब हम वापस जा रहे हैं घर। बहुत दिन के बाद आपको ये व्यू मैं दिखा रही हूँ, ग्वालियर का फोर्ट व्यू है ये, बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। तो सीधा घर पहुँचते हुए मिलते हैं आपसे। तो अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं बना के लेके आई चाय अपने लिए, ये तो है नहीं, ये गए हैं खाना खाने के लिए। अभी रात के दिन चल रहे हैं, तो अभी डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दिन भर से कामों में लगी हुई थी और मुझे रेस्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ मैं अभी यहाँ से, तो मैं सो गई थी। उसके बाद अभी मैं उठी हूँ, इन्होंने बोला गेट को लॉक कर लो, तो मैं गेट लॉक करने के लिए उठी, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है और डिनर मुझे बनाना नहीं क्योंकि ये तो खाना खा के आएंगे, मेरे लिए रखा है तो मैं वही खा लूँगी। और
शेयर करना है आपके साथ में। डॉक्टर के यहाँ मैं गई थी, एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं हमेशा की तरह, जो कि आज भी नॉर्मली आई हैं मेरी। उन रिपोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो उस दिन ब्लड लिया गया था ना, उससे बहुत सारी टेस्ट हुए थे मेरे, तो वो सारे के सारे नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैड न्यूज़ ये है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, वो आगे आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दिखा दूँगी, बता दूँगी जो कुछ भी होगा। तो गुड न्यूज़ तो यही है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस मैम को मैं रिपोर्ट्स दिखाने के लिए गई थी और बस इस चीज़ की खुशी है आज तो। तो अब जो होने वाला है उसकी टेंशन है मेरे को, तो ठीक है वो भी देखेंगे, उसको भी झेलेंगे और हैप्पी रहना है मेरे को। मैं सच बताऊँ, अब डरना नहीं है मुझे किसी भी चीज़ से, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया है तो चीज़ें तो होंगी, है ना। चीज़ें नहीं होंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डरती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से ही डर लगता है, मुझे दवाइयों से डर लगता है। हाँ, अभी तक मेरी कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई है, मुझे कुछ भी नहीं दिया मैम ने, ना ही उन्होंने दिया है, ना ही बाहर से लेने के लिए बोला, अभी कुछ भी मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, बस मेरी रिपोर्ट्स मेरे पास में आई हैं और कुछ नहीं है। तो अभी आगे होगी स्टार्ट, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही थी, इस ब्लॉग को अब मैं एंड करती हूँ, मिलेंगे कल नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। देखती हूँ क्या शेयर करती हूँ, कल सैटरडे, फिर संडे, मंडे, तो देखती हूँ क्या क्या आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि है। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही मुझे हिम्मत देते रहिए, जिससे कि मैं अपना जो ट्रीटमेंट है ना वो ऐसे हंसते हुए ले पाऊँ। और बस इसका रिजल्ट ना अच्छा है, यही मैं चाहती हूँ। तो जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू बहुत सारा आप सभी को इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। चलिए बाय बाय, चाय पी लो, आ जाओ मेरे साथ। नहीं बोलोगे दीदी ने चाय के लिए नहीं पूछा, चाय पी लो आ जाओ। और